मित्रों नमस्कार। कविता आप तक कड़ी में आज प्रेम शंकर शुक्ल की कुछ कविताएं। विशुद्ध निजी अनुभूतियों को एक बृहत्तर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ देते हुए कविता कैसे रची जा सकती है, प्रेम शंकर शुक्ल इसके प्रतिमान है। तो आइए आज हम उनकी दो कविताएं सुनते हैं। एक कविता सांस है, जिसे कैसे उन्होंने मनुष्य की गरिमा और उसके निजत्व से जोड़कर रची है, और दूसरी कविता माँ है, जहाँ माँ के लिए संबोधित कई संज्ञाओं विशेषणों को वो कैसे त्याज तो नहीं मानते, मगर उनकी आड़ में छली जाती माँ को वे कैसे आगाह करते हैं। यह कविता भी अपने इस रचाव में अद्भुत है। प्रेम शंकर शुक्ल। सांस। आसमान नापती पहले पंख की हवा, आसमान नापती पहले पंख की हवा मेरी कविता का भी ऑक्सीजन है। भीम बैठका के चित्रों में जो आदिमानव बोलता है, उसका मेरे लहू से रिश्ता बनता है। हमारी आँखों के पानी में यहीं से तैरना शुरू किए हैं सर्जना के रंग। मेरी सांसों में जो हवा है, वह धरती के पहले मनुष्य के फेफड़े से चलकर आई है। मेरी सांसों में जो हवा है, वह धरती के पहले मनुष्य के फेफड़े से चलकर आई है। अगली कविता है, ये कविताएँ भीम बैठका एकांत की कविता है, जो मेरा संग्रह है। भीम बैठका पर जो केंद्रित संग्रह है, संचयन है, उस पर ये कविता है। माँ शीर्षक से है। भीम बैठका में माँ को पत्र। माँ, कितना देखता सुनता रहा हूँ, कितना पढ़ता देखता सुनता कहता रहा हूँ। माँ नदी है, पानी है, बानी है, हरियाली है, उजाला है। माँ हवा है, दवा है। माँ मेरी बहुत अच्छी माँ, तुम संभल कर रहना, यह सभी चीज़ें जहरीली हुई जा रही हैं। इस तरह से यह भीम बैठका संचयन की ये दो कविताएं आप सबके सामने मैं पढ़ के आप सबको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।